गाइस नाव का पिकअप देखिए, ये रहा नाव का पिकअप, नाव में बैठा है और जो जो सरिया दिख रही है वो है नाव का पिकअप और इससे हाथ में रस्सी लेके बांधा हुआ है। यहाँ पे बैठा है जो रेड कलर का वो चला रहा है नाव और उधर से एक नाव आ रहा है। तो गाइस मैं ऐसे जगह पे आया हूँ और क्या बताऊँ, इतना मतलब देखो यहाँ इतना खाली जगह है और मेरे घर से बहुत दूर है, बहुत दूर है यार। हम लोग अभी मतलब इतना कादा है, कीचड़ है, इस देखो रास्ता पूरा मिट्टी का रास्ता बना हुआ है और हम लोग गाड़ी जो पैदल लेके जा रहे हैं। दो दिन बारिश हुआ है इसके लिए यहाँ पे जो कीचड़ ज़्यादा हो गया इसके लिए। अरे फर्स्ट टाइम आया हूँ और मतलब वो जो दिख रहे हो उस साइड नदी है यार, वो देख सूरज अभी ढल रहा है और नदी है उस साइड, उधर वो जो भेड़ी है वो नदी है पूरा। मतलब हम लोग जो नदी मतलब नदी से किनारे की हिसाब से मैं चल रहा था, कुछ कुछ जगह पे कीचड़ है मतलब कादा है, इसके लिए हम कुछ जगह पे पैदल जाना पड़ रहा है, कुछ कुछ मतलब दूर दूर से घूम के भी आना। गाइस बहुत देर से मतलब यहाँ पे घुमा हुआ, घुमा के मतलब थक चुका इतना। देखो यहाँ पे मछली पकड़ रहा है, अरे देखो कितना पानी, कितना तेजी से पानी जा रहा है देखो। अरे पूरा गांव का साइड है जो रास्ता देख रहे हो, पूरा मतलब इतना कीचड़ रास्ता था क्या, देखिए पूरा रास्ता और एक गाड़ी उस साइड से जो ज़्यादा कीचड़ था, तो पानी कितना तेज़ी से जा रहा है, यहाँ पे देखो कितना नीचा है और क्या बताओ, इतना गर्मी लग रहा है। हाँ मतलब थक चुका हूँ यार, शाम तो हो चुका है। इतना देखो यहाँ पर कितना खाली जगह है देखो, और हम लोग तीन आदमी आए हैं यहाँ, बहुत कीचड़ है बहुत। आगे तो उधर मतलब वो जो बाइक स्कूटी जो उसको खींच के लाना पड़ा इसके लिए, जो वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया। ये देखो यहाँ पे देखो कितना कीचड़ है, अरे पूरा जंगल है यार, यहाँ पे कोई नहीं है। ये देखो छोटा छोटा घर दिख रहा है, मतलब इतना टाइम हो चुका है, तो पेक कर निकला था, शाम हो चुका है, अभी घर जाने में बहुत बाकी है, रास्ता बहुत बाकी है। अभी देखो यहाँ पे पूरा जंगल है, देखो कितना भयानक जंगल दिख रहे हैं। और इधर नदी, ये जो नदी ये देखो पूरा नदी है चारों ओर सिर्फ नदी। ये देखो यहाँ पे तालाब है, ये सब पूरा मछली पालते हैं यहाँ पे देखो, मतलब इतना इतना थक चुका क्या बात हो। देखो यहाँ पे नदी, ये जो पूरा नदी की ये जो साइड से आया है, मतलब दो दिन पहले बारिश मतलब काल और आज बारिश हुआ, इसी वजह से ये रास्ता जो पूरा कच्चा हो गया मिट्टी से। गाइस उल्लू 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 गाइस देखो, अभी रात हो चुके उल्लू चला गया, ऐसे पूरा उल्लू था वहाँ पे, मतलब रात को उल्लू मतलब रात हो चुका है, कैमरे पर शायद ज़्यादा साफ दिख रहा है लेकिन अंधेरा हो चुका है। उधर उधर उड़ गया चलो वो उस पेड़ पे गया है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ओ फिर से उधर चला गया, दिखाता हूँ मैं आपको, वो जो रहा जा रहा है चला गया उधर, मतलब अभी रात हो चुका है। और देखो यहाँ तक कितना बड़ा पंछी देखो, देखो दो कितना बड़ा पंछी है देखो, मतलब मछली खा रहा है और उस साइड नदी है और यहाँ पे कोई घर नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ देखो, कोई घर नहीं है, कोई यहाँ पे घर नहीं है यहाँ पे देखो, मतलब इतना खतरनाक है। और स्कूटर लेके भाग गया, मैं भी भाग रहा हूँ, चला गया स्कूटर लेके, देखो पूरा खाली रास्ता है, दिखाता हूँ पूरा खाली है, यहाँ पे कोई नहीं है स्कूटी लेके, देखो वहाँ भयानक लग रहा है। घर से 50 किलोमीटर दूर हूँ मैं, अभी रात हो चुका है, अभी बहुत दूर भी जाना पड़ेगा। और यहाँ पे नदी है, इस साइड तालाब है देखो, छोटा छोटा आइलैंड है और इतना मतलब देखो कि देखो अभी देखो यहाँ पे रिश्ते देखो पानी जमा हुआ है, मतलब इतना रिस्क की जगह है क्या बताओ। अभी रात भी हो रहा है और देखो पूरा जंगल है चारों ओर, यहाँ पे सिर्फ
बाइक वगैरह जाते हैं। देखो पूरा जंगल है, वो मेरा दोस्त भी भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूँ, वो बाइक लेके जा रहा है। देखो कितना खतरनाक रास्ता है, दिखाता हूँ। देखो मतलब सिर्फ साइकिल बाइक जाता है यहाँ से पूरा रास्ता से। देखो सूखा सूखा पेड़ है यहाँ पे, देखो कितना खतरनाक है। और फिलहाल रात हो चुका है, यहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई नहीं देखने को मिलेगा आपको, और मुझे भी नहीं दिख रहा, तो आपको क्या दिखेगा। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा बड़ा पंछी जो वहाँ पे मछली पकड़ रहा है। देखो मतलब देखो, और एक जगह जो दिन में होता ना बहुत खूबसूरत सा लगता था, देखो कैसे जगह है। देखो वहाँ से घूम के जा रहा है, कितना कितना भयानक जगह है। देखो और ये जो देख रहे हो पूरा नदी के किनारा है, पूरा नदी है। देखो उस साइड और भी जंगल है, और जो रास्ता इतना खूबसूरत है क्या बताऊँ। देखो ऐसे ऐसे पेड़ है, देखो देखो पीछे की तरफ देखो पूरा जंगल है। आपको घर दिख रहे, वहाँ पे एक घर है, दूर घर नहीं है वो, मतलब ऊँचे की जगह है, घर जैसा बना हुआ है। देखो वो नदी, और इतना लंबा रास्ता है क्या बताऊँ। देखो कितना हरेली है इस रास्ते पे, कितना बहुत सारा हरेली है इसमें। और अभी हम लोग को तो उस साइड में जाने का है नदी का, मतलब 7:30 बजे के बाद मुझे नाव नहीं जाते वहाँ पे, तो हमको उधर उस टाइम पे भी पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो एक आइलैंड जैसा है। मतलब वो आगे की एक आइलैंड है और इस साइड एक आइलैंड है। इस पे जिस जगह पे मैं हूँ, इस जगह पे कोई मतलब 6-8-10 पहिया वाला जो ट्रक होता है बड़ा साइज का, वो एक भी नहीं देखने को मिलेगा इस जो पूरा एरिया गाँव में है। अरे पूरा गाँव का एरिया है। अभी पंछी वहाँ पे बहुत पंछी की शोर शराबा हो रहा है, और कितना खतरनाक है। मतलब ये जो पूरा चारों ओर नदी है, मतलब एक आइलैंड है, और आगे वो भी एक छोटा सा आइलैंड है। और मेरे को उस साइड में वो जो उधर से अलग हो रहा है इधर से जा रहा है, मेरे को उस साइड से इधर जाने का है, इस साइड ऐसे जाके इधर जाने का है मेरे को। अभी रात से भी हो रहा है, बहुत भयानक है। और बाइक लेके वहाँ पर चला गया, वो लाइट जल रहा है। और यहाँ पर छोटा सा झोपड़ी बना हुआ है, देखो यहाँ पे शायद कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मछली को खाने देने के लिए ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे देखभाल करने के लिए छोटा छोटा झोपड़ी है। और फिलहाल रात हो चुका है, उफ जंगल है उजर, उधर इतना पंछी की आवाज़ हो रहा है, इतना पंछी की आवाज़ आ रही है, क्या बताओ। यहाँ से सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है नहीं मालूम, लेकिन बहुत पंछी की आवाज़ आ रहा है। और चंबाधड़ देखो जा रहा है वो, देखो मतलब रात तो हो, शाम के बाद रात हो चुका है, और कितना देखो खाली जगह है, इतना भयानक जगह है क्या बताऊँ। अरे देखो अभी नदी में पानी कम है, देखो इधर पानी जाते हैं इधर से, ये देखो यहाँ से पानी आते है वो इधर, मतलब ये जो तालाब है इसको वो जब खाली कर देता है, यहाँ से छोड़ देता है, नदी में चला जाता है, उसके बाद खाली हो जाता है। तो मैं थोड़ा और भी भाग के आगे जाता हूँ। तो गाइस भेड़िया की भी आवाज़ आ रहा है कुछ दूर दूर से, एक पूरा जंगल है। देखो अभी रात हो चुका है, तो वो मेरा बंदा लोग आ रहा है। देखो इतना खतरनाक जंगल है क्या बताऊँ। और देखो पंछी का आवाज़ शायद सुनाई दे रहा है, देखो अंधेरा पूरा तो हो चुका है। चलो मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, एक किचन में पड़ जा, पूरा किचन रास्ता है, पूरा किचन नहीं था, हम लोग अभी उस पर चला जाता था। देखो नदी देखो, और देखो पंछी का जो आवाज़ यहीं से आ रहा है। देखो इतना खतरनाक जंगल हो रहा है, डर भी लग रहा है, क्योंकि इतना दूर से अगर कोई कुछ भी हो गया तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं, मदद करने कोई आएगा नहीं यहाँ पे, इतना खतरनाक है। लाइफ के मतलब हमारा फर्स्ट टाइम है इस जगह पर आने में, मतलब हम लोग मतलब ऐसे रास्ते में तो नहीं आना चाहते थे, लेकिन वो जो लोकेशन देख के आया हूँ ये रास्ता अच्छा है, लेकिन बारिश की वजह से ऐसे हो गया है। मतलब कि 2 दिन लगातार बारिश हुआ है, आज भी बारिश हुआ है, दोपहर के बाद बारिश नहीं हुआ। देखो कितना काला घना जंगल है, देखो ये देखो यहाँ पे कोई आपको देखो घर नहीं है, सिर्फ हम 3 ही आदमी, अरे गाड़ी है देखो, अरे पूरा पूरा पानी से भर जाता है नदी को। ये जो भेड़िया मतलब एक बात समझ रहे, क्योंकि जब नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो इधर नहीं आ पाता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखो पानी का इतना आवाज़ आ रहा है, क्या बताओ। देखो जंगली बिल्ली वहाँ पे चला गया गाइस, जंगली बिल्ली है क्या बताओ। और देखो कितना कीचड़, अरे
पूरा कीचड़ की रास्ता है, देखो कितना पतला रास्ता, यहाँ से पानी जा रहा है। देखो तो गाइस इतना देर बाद हम लोग उस रास्ते उधर से जा रहा था जिधर फिर जो भी जंगली बिल्ली दिखा रहा था, लेकिन उधर नहीं जा रहा हूँ उधर। मतलब जो पानी जो इतना पूरा मतलब फेरी के ऊपर आ जाता है, वहाँ पे एक नाव है उसकी नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत खतरनाक है। देखो यहाँ पे देखो पूरा खाली यार, इधर देखो पूरा खाली है, देखो इतना भयानक जगह है यार। अगर कोई मतलब भूत का डर नहीं है, इंसान का डर है कि यहाँ पे जो बहुत रास्ता है यहाँ पे, ये मतलब इंसान का डर जाता है क्योंकि ये जो मछली पालते हैं ढाई ढाई कर देगा, कोई पता नहीं, कोई समझेगा, कोई कुछ बता नहीं पाएगा क्या हुआ है, क्योंकि मछली का जो पालते हैं यहाँ पे जो लाइसेंस रहते हैं उनको पास। देखो उधर हरियाली दिख रही है क्योंकि पानी से रास्ता जो ख़राब हो चुका है, क्या बताऊँ। देखो ये मेंढक कूद के जा रहा है ये रास्ते पे, इस तरफ साइकिल ही आते हैं, हम लोग बाइक लेके आया हूँ, स्कूटी लेके आया हूँ। देखो और उधर तो पूरा जंगल ही जंगल, पीछे वो जो छोटा सा लाइट दिख रहा है उधर, इतना मतलब उधर इतना घना जंगल है जो पंछी का आवाज़ आ रहा है, तो वहीं से मतलब एक जगह पे इतना पेड़ है, इतना पेड़ सांप वगैरह हो सकता है कि नदी के किनारे, मतलब इतना भयानक वातावरण, डर भी लग रहा है। इंसान का डर भूत का तो छोड़ो, इंसान का डर ज़्यादा भयानक क्या वातावरण। अभी रात हो रही है, जितना टाइम हो रहा है रात हो रहा है, वो जो छोटा सा लाइट जल रहा है वो बड़ा वाला नहीं, इससे ही छोटा, और एक उस जगह पे हम लोग थे उस जगह पे, और उस जगह भी जंगल था। अभी देखो यहाँ पे छोटा छोटा इधर उधर एक एक करके लाइट दिख रहे हैं, यहाँ पे एक एक करके छोटा छोटा घर है। तो अभी बहुत ही फाका खाली रास्ता है रात को, जितना हो सके देखो। गाइस फिर से हम लोग को पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे देखो कितना, देखो यहाँ पे कीचड़ है, पानी है यहाँ पे, और देखो गाड़ी अकेला भगा के जा रहा, लेके जाने के लिए बोला इसके लिए लेके जा रहे हैं, और देखो इतना खाली जगह है क्या बताऊँ। अभी देखो वहाँ से भी एक बाइक आ रहा है इधर, सबसे बड़ी बात है अभी रात हो गया, बोट ना यार बोट नहीं मिला तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। चलो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से नीचे आया हूँ, ये बोट यहाँ पे स्कूटी रखा हूँ, और उस साइड में जाने का है साइड, और एक गांव है पूरा एरिया। देखो शायद फिलहाल मिल चुका है बोट, और देखो पानी जा रहा है नदी की, देखो कैसे, देखो जाओ देखो पानी कैसे जा रहा है, पूरा नदी है, पूरा नदी है इधर। देखो अभी उस घाट में जाने का यार, यहाँ से नीचे आया हूँ, देखो कितना वो ढालान है, और अगर वहाँ से छोड़ दिया तो पूरा पानी के नीचे चला जाएगा, बाइक बोलो गाड़ी बोलो जो भी, यहाँ पर साइकिल और स्कूटी और बाइक जाते हैं, और मतलब बोल रहा था ना उस साइड में बड़ा सा कोई सड़क नहीं है इसमें, तो हम लोग उस साइड में जाके आप लोगों को बताता हूँ। किक मारेगा किक हैंडल है, नहीं किक सेल्फ, ये जो मारो दूते भरी आज वो गाइस लाइट ऑफ करने के लिए बोला, उस साइड से आया हूँ, उस साइड से छोड़ा है, और फिलहाल तो ऑफ कर दिया हूँ, किक ऑफ करने के लिए बोला। अभी देखो वहाँ पे एक बोट जा रहा है, अंधेरा है पूरा हो जा रहा है, देखो बस फाइनली हम लोग हो चुका है, नहीं पे बहुत गाड़ी हेटे हेटे खिली वाले किंतु पता नहीं चलता गाइस, ऐसे ऐसे करके गाड़ी लेके जाना पड़ता है। देखो ऐसे, ये देखो ये धक्का लगा रहा है, और ये पूरा बांस से बना हुआ है, देखो मतलब इतना क्रिस का है, और बांस देखो जगह जगह पे गैप है, मतलब पानी से टूट जाता है ना इसीलिए, देखो कुछ ऐसे जगह है। फाइनली हम लोग पहुँच चुका है, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुका हूँ उधर से, वो आइलैंड से इस आइलैंड पर आ चुका हूँ। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुका हूँ, बहुत मतलब क्या बात हुई, इतना आगे पुलिस जा रहे क्योंकि वो उन लोग की गया था उस साइड में कुछ काम में, उधर बस चला गया,
अभी देखो रास्ता देखो कैसे, इधर भी उतना टाइमिंग है देखो। और फाइनली हम लोग मतलब जो डर था वही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग इस पर आ चुके हैं हम लोग के एरिया साइड में। अभी भी हम लोग का घर जाने में 30 किलोमीटर बाकी है, तो चलते हैं उसमें।